बीजेपी सांसद ने चप्पल उतारी और अपने ही विधायक पर टूट पड़ी। प्रश्नदीप सिंह, लखीमपुर खीरी। चुनाव में नेता एक दूसरे को खूब भला बुरा कहते हैं, एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं, लेकिन कभी किसी नेता ने अपने विरोधी को चप्पल नहीं मारा होगा। लेकिन वो यूपी है, उत्तर प्रदेश, जहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। वहां बिना चुनाव के भी दो नेता आपस में भिड़ गए हैं, और भिड़े ही नहीं हैं, उनके बीच जूतम पैजार हो गई है। और ये नेता किसी अलग अलग पार्टी के नहीं, एक ही पार्टी यानी बीजेपी के हैं। इन नेताओं में एक हैं धौरहरा की सांसद रेखा वर्मा और दूसरे हैं बीजेपी के मोहली से विधायक शशांक त्रिवेदी। दोनों ही नेता 13 दिसंबर को एक ही जगह पर कंबल बांट रहे थे। सीतापुर के मोहली तहसील में सांसद और विधायक अपने अपने समर्थकों के साथ पहुंचे थे। सांसद मीटिंग हॉल में कंबल बांट रही थी, वहीं विधायक बाहर कंबल बांट रहे थे। अच्छा नेता कौन है, इसे लेकर मौजूद जनता बहस कर रही थी और मजे ले रही थी। इसी बीच सांसद रेखा वर्मा की वहां मौजूद एसडीएम से कहा सुनी हो गई। सांसद ने एसडीएम से कहा, औकात में रहो, दो दिन भी नहीं टिक पाओगे। इसी बीच दोनों ही नेताओं के समर्थक भिड़ गए। फिर क्या था, सांसद और विधायक आमने सामने आ गए। सांसद ने चप्पल तक निकाल ली और एसडीएम के साथ ही विधायक को धमकी दी। वहीं विधायक के समर्थकों ने भी मेज उठा ली और उसे सांसद समर्थकों पर फेंकने की कोशिश की। मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि सांसद के बेटे अनिवेश पटेल को भी मामूली चोट आई है। डीएम और एसपी भी मौके पर पहुंचे और बिना कोई केस दर्ज हुए मामला रफा दफा हो गया। अपने सांसद और विधायक को आपस में जूतम पैजार करते देख उनकी तारीफ करने वाली जनता ने भी खूब मजे लिए। कंबल लेने आई जनता ने कंबल लिया, दोनों नेताओं की लड़ाई देखी और फिर अपने अपने घर चले गए।